ताता है तो वो छोड़ के दो ताता से यहाँ से अब सिगरेट पी निकली है सिगरेट अलग है क्या? अरे मेरा है ही नहीं मतलब तो मेरा आ जाए तो तू अपने 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 मन में दिमाग कर हे गाइस वेलकम बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे आप सब लोग? बहुत ही बढ़िया होपफुली आप सब बेस्ट होंगे। सो गाइस फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका बहुत दिन से वेट कर रहा था। मैं प्रैंक वीडियो बनाने वाला था पापा को प्रैंक करते हुए, एक बार मैंने प्रैंक कर रखा लेकिन ऑन कैमरा कभी नहीं किया। सो आज मैंने कैमरा भी सेटअप कर लिया, सेटअप बॉक्स के ऊपर ही राइमिंग हो रहा है, उससे पता लग रहा है कि वीडियो अच्छी बन रही है। सो कैमरा ऐसे अटका रखा है मैंने कि अगर हल्का सा भी गिरा ना तो वीडियो की तरह से तैसी होगी, मेरे फ़ोन की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। कोई नहीं, थोड़ा टिप्स लेते हैं आप लोगों के लिए। और मैं अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 6 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा टाइम। पापा 6:30 के आसपास आने वाले हैं ऑफिस से। 6:30 बजे ऑफिस आएंगे तो मैं आज करने वाला हूँ सिगरेट प्रैंक पापा के ऊपर। मैंने सिगरेट की खाली डब्बी मंगा ली है ऊपर भैया से जो किराएदार एक भैया, उनसे गोली को भेजा लेने के लिए। सिगरेट की डब्बी आ रही है, उसको मैं रखूँगा जेब में और पापा के पास बैठूँगा। जब पापा आ जाएंगे तो फिर मतलब किसी बहाने ऐसे निकालने के बहाने ऐसे गिर जाएगा मेरे सामने, तो फिर देखते पापा का कैसा रिएक्शन आता है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जाके यार लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, आपके भाई का चैनल है। अगर ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो और भी ऐसे प्रैंक वीडियोस लाता रहूंगा मैं। इस वीडियो के ऊपर है कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस वीडियो के ऊपर। बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो भी वेट करते हैं पापा के आने का और देखते हैं कब तक पापा आते हैं। बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और गाइस पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते कि मार भी लग सकती है। यार थोड़ा डर भी लग रहा है अंदर से कि कहीं चाटा वाटा ना पड़ जाए, लेकिन आप लोगों को मजा आने वाला है। ट्राई करते हैं आज। लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि पापा को बताऊंगा कैसे कि क्या है प्रैंक है, पापा समझेंगे भी नहीं प्रैंक है। मतलब इतना फ़ोन वोन से ज़्यादा वो नहीं है, मतलब वीडियोस वगैरह नहीं देखते अपने काम से मतलब। देखते हैं क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। A few inches later. पापा गली में आ चुके हैं और ये मैं जला के स्मेल स्मेल कर देता हूँ। अरे मैंने पीना था, ये दोस्त का था। दोस्त का जला का अपने दोस्त दिमाग तो आता बंटा किया या कर बंद कर दीजिए ना भाई, ये कि सिगरेट पीते जो है नहीं। अरे मेरा नहीं है, मेरा नहीं कि मेरा नहीं है, बकवास कर रहा था। अरे मैंने पीता है, ये दोस्त छोड़ के चला गया। दोस्त छोड़ के चला गया तो सारे दिन बैठ के यही करता रहता है नहीं बकवास कर रही। अरे मेरा नहीं था कसम, अरे मेरा नहीं था। किसका नहीं था? मेरा नहीं है। दिमाग खराब है, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, मेरा नहीं बकवास कर रहा है। अरे करण सर दिमाग खराब कर रहे, बकवास कर रहे फालतू। अरे मेरा नहीं, मेरा नहीं क्या? तू सिगरेट अलग है क्या? अरे मेरा है ही नहीं मतलब तो मेरा आ जाए तो तू अपने 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 मन में दिमाग खराब कर दीजिए फालतू के, बैठना या कर दीजिए ना भाई।
अरे मैंने जलाया भी नहीं था, बकवास कर रहा था फालतू का। वो ताता जी यहाँ से अब सिगरेट पी निकली है, हैं? हैं? लग जाएगी वो तो ठंड ठंड। दोस्त कौन दोस्त लाया था यहाँ? अरे था एक स्कूल के, स्कूल का था। जब हम टांग या कैसा कर दाना तोड़ दूँगा हम पीपल पड़ा हूँ माइट माइट हम। अरे कैमरा लगा हुआ है। अरे प्रैंक कर रहा था, लो कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। गाइस फाइनली आज कर लिया हमने पापा को वो प्रैंक, और ये सिगरेट भी मैंने जला ली थी ताकि रूम में पूरा सिगरेट की बदबू फैल जाए। ऊपर मैंने भैया से सिगरेट भी मंगा लिया था, सो काफ़ी रियलिस्टिक लगे इसलिए। सो आप लोग बताना कैसे लगा आपको प्रैंक। और गाइस ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इससे आप लोग जितना दूर रहे उतना बेटर होगा। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया ये सब चीज़ें, और ना मैं रेफ़र करता हूँ। बहुत ही बेकार चीज़ है, कैंसर होता है इन सब चीज़ों से। सो आप लोग भी दूर रहिएगा, मेरी ऑडियंस जो भी देख रहे हैं। सो आप लोग बताना कैसे लगा आपको प्रैंक, और होप आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। सो नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट प्रैंक लेके आएंगे, किस चीज़ के ऊपर लेके आना आप बताना। और जो भी था फर्स्ट टाइम था गाइस, जिस हिसाब से पापा मार रहे थे ना, तो कम्बल पे पूरा डंडे का वो मैं वो ले रहा था। एक दो भी अगर सही से हाथ एक लगा हाथ पे, दो लगे हाथ पे सही से, अभी भी हाथों में दर्द है, बाकी कम्बल पे ही लगे हैं। तो पापा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, सो मम्मी और गोलू भी नहीं थे घर पे, सो कोई आया नहीं बचाने के लिए, नहीं तो बचाने के लिए आ जाते। सो गाइस इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो का एंड, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।